नमस्कार दोस्तों, मैं आज का आपके लिए खतरनाक वीडियो लाया हूँ। बहुत ही कीटाणुओं से भरा हुआ, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ और जब मैं नहाकर नहीं बनाता वीडियो तब उसमें बहुत सारी गंदी बातें आती है। और बात कर रहा हूँ दिल्ली की। कल दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ उस पर दिल्ली के प्रसिद्ध महान नेता, NDTV के जो महान नेता हैं, नेता ही बोलूँगा उनको, जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगा, मिस्टर रवीश कुमार उनका नाम बहुत अच्छा है और उनको रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आगजनी हुई उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है और उस ठंड को भगाने के लिए दिल्ली वासियों ने वहाँ पर कुछ जगहों पर गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में और कुछ जगहों पर आग लगाकर अपने पिछवाड़े को सेका ताकि उनकी ठंड उससे भाग जाए। और उन्होंने भीड़ में एक पिस्टल से 5 बार फायर करने वाले इंसान के बारे में उसे ओसामा ना बताते हुए कहा कि वो तो भगवान की देन है, भटका हुआ नौजवान है और अपनी नौजवानी में वो फायर से, गोली चलाने से निशाना लगाना सीख रहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे भैया रवीश कुमार जी, मंदिर का बजाऊं आपका, आप किस तरह के इंसान हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सो रहे हैं वो सोते रहें और हम उनको जगाएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आपका यहाँ पर सोना दिल्ली में बहुत काम आ रहा है। दिल्ली वाले बहुत ही शांतिपूर्व, शालीनतापूर्वक, भाईचारे का एक संदेश देते हुए कल अच्छे से अपना पिछवाड़ा सेक रहे थे और अब उनकी जो लग गई है और आप लोग सो रहे हैं, तो आप सोते रहें और इससे आपका देश भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद भाई, जय भारत।